याद रखना, बेबी ज़ैनब अपने नन्हे नन्हे हाथों से कफन को देखती और ज़ारो कतार रोती। बीवी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ज़ैनब ये दूसरा कफन मेरा है। कुछ दिन बाद तेरे बाबा अली जब ज़ारो कतार रोने लगे तो समझ जाना तुम्हारी माँ इस फानी जहाँ से रुखसत हो गई, और अपने बाबा को ये मेरा कफन दे देना। और ऐ ज़ैनब ये तीसरा कफन तेरे बाबा अली का है। जब 21 रमजान को तुम्हारे बाबा अली शहादत का जाम पी लें तो अपने भाई हसन को ये कफन देना और कहना कि अल्लाह ने जन्नत से ये भेजा है। और ये चौथा कफन तेरे भाई हसन का है। जब मेरे लाल हसन को जहर मिले तो हुसैन को ये कफन देना और कहना कि अल्लाह ने हसन के लिए जन्नत से ये कफन भेजा है। फिर बीबी फातिमा ज़हरा रोने लगी और फरमाने लगी, अय ज़ैनब ये पांचवा कफन भी तेरे भाई हसन का है, क्योंकि जब हसन का जनाजा घर से बाहर निकलेगा तो तेरे नाना की उम्मत उस पे तीर बरसाएगी, और यूं मेरे लाल हसन का जनाजा खून में रंगीन हो जाएगा और घर में वापस आएगा। तब अय ज़ैनब ये पांचवा कफन भी हुसैन को देना कि वो हसन का कफन तब्दील कर दे। इतने में बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रो के कहने लगी, अय मेरी माँ मेरे भाई हुसैन का कफन कहाँ है। बस जैसे ही बीबी ने ये कहा तो बीबी फातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रो के फरमाती है, अय ज़ैनब तेरे भाई हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करके कर्बला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, उसको बेगोरो कफन जमीन कर्बला पे बिखेरा जाएगा। अय ज़ैनब मेरे लाल हुसैन को कफन देने वाला कोई न रहेगा। 3 दिन बाद मेरा लाल हुसैन बगैर गुस्लो कफन तदफीन किया जाएगा। सलाम हो इमाम हुसैन की गुर्बत पर, सलाम हो बीबी ज़ैनब के सब्र पर, सलाम हो उन बीबियों की।